नमस्कार, मैं हुशवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिना परमिशन सीबीआई जांच पर रोक लगा सकती है नीतीश सरकार। बिहार में साइंस और गणित के शिक्षकों की हुई किल्लत। वित्त मंत्री ने किया इंदिरा IVF ब्रांच का उद्घाटन। हार्दिक ने बताया वो पल जब नहीं कर पाए थे अपने इमोशन पर कंट्रोल। अब राजद ने इस मामले पर मांगा सुशील मोदी से जवाब। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। परिवहन विभाग फुट ओवर ब्रिज बनाने के लिए स्थलों की करेगा पहचान। सड़क हादसों में होने वाली मौत के मामले में बिहार देश में 9वें पायदान पर है। राज्य भर में गाड़ी चलाने के अलावा पैदल चल रहे लोग भी आए दिन सड़क दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। राज्य में सबसे अधिक हादसे NHAI की सड़कों पर हो रहे हैं। इसे देखते हुए विभाग ने तय किया है कि पटना सहित राज्य के सभी प्रमुख शहरों में FOB बनाने के लिए स्थल चिन्हित किए जाएं। खासकर वैसी सड़कें जहां से आम लोगों का आना जाना यानी सड़क पार करना मजबूरी है और दुर्घटनाएं हो रही है, वैसे स्थलों की पहचान की जाएगी। परिवहन विभाग FOB बनाने के लिए स्थलों की पहचान करेगा, जबकि पथ निर्माण विभाग की ओर से FOB का निर्माण कराया जाएगा। बिना परमिशन सीबीआई जांच पर रोक लगा सकती है नीतीश सरकार। बिहार में हाल ही में कुछ दिन पहले केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने राजद के 6 नेताओं के आवास सहित 25 ठिकानों पर छापेमारी की। इस बीच अब खबर यह आ रही है कि नीतीश सरकार इस तरह की बिना सूचना दिए छापेमारी पर रोक लगा सकती है। दरअसल दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत CBI का गठन हुआ था। इसके मुताबिक CBI के लिए यह जरूरी है कि वह किसी भी राज्य में जाँच के लिए पहले प्रदेश सरकार से अनुमति ले। अब तक 9 राज्यों में CBI को दी यह मंजूरी वापस ले ली गई है। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, मेघालय शामिल है। ऐसे राज्यों की संख्या इनमें ज्यादा है जो विपक्ष द्वारा शासित हैं। RJD के नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार CBI का इस्तेमाल विरोधियों के खिलाफ कर रही है, उसे देखते हुए बिहार सरकार को एजेंसी को जांच की मंजूरी वापस ले लेनी चाहिए। दियारा के कई गांवों में घुसा पानी, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। गंगा के बढ़ते जलस्तर से राज्य के दियारा क्षेत्र के लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने से दियारा क्षेत्र के लोगों के घर तक पानी पहुंच गया है। वहीं आज के जलस्तर को देखने के बाद प्रशासन दियारा या बाढ़ प्रभावित इलाके में व्यवस्था करेगा। सुबह तक के अपडेट के अनुसार दानापुर के दियारा क्षेत्र के हेतनपुर, बिशुनपुर, कासिमचक, काफरपुर, नवदियरी, मानस, गंगाहारा और मानस समेत अन्य गाँवों के आसपास पानी पहुंच गया है। हालांकि पटना पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है। वहीं बाढ़ अनुमंडल के अथमलगोला प्रखंड में बाढ़ के पानी में डूबकर एक किसान की मौत हो गई है। जलस्तर में वृद्धि ने रामनगर दियारा सहित अन्य तटीय क्षेत्र के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि कोसी नदी के जलस्तर में अभी भी इजाफा बरकरार है। बिहार में साइंस और गणित के शिक्षकों की हुई किल्लत। बिहार में साइंस और गणित के शिक्षकों की किल्लत देखने को मिली है। अगर हम राज्य के प्रमुख नगर निगम क्षेत्र पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर और उनसे संबंधित जिला परिषद के दायरे में आने वाले उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की बात करें तो यहाँ विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, अर्थशास्त्र और भूगोल जैसे विषयों के पद खाली रह गए हैं। छठे चरण के शिक्षक नियोजन में पटना नगर निगम के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अंग्रेजी के 15, भौतिकी के 21, उद्यमिता 8 और मनोविज्ञान के 6 रिक्त पदों पर एक भी नियुक्ति नहीं की जा सकी है। वनस्पति विज्ञान के रिक्त 6 पदों में केवल एक, गणित में 17 में से एक, रसायन के 11 रिक्त पदों में केवल 2 शिक्षक ही चयनित हो सके हैं। पटना विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स लाउंज के तहत महज 2 दिन ही होंगे नामांकन। पटना विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन करने के लिए इच्छुक विद्यार्थी के लिए अहम सूचना है। पटना विश्वविद्यालय में स्पॉट राउंड के तहत 30 और 31 अगस्त को नामांकन लिया जाएगा। इसके लिए 1800 आवेदन आए हैं। रविवार को सिर्फ एक दिन दोपहर 2 बजे तक आवेदन लेने के बाद पोर्टल को बंद कर दिया गया है। इनमें 1587 आवेदन सामान्य कोर्सेस के लिए गए हैं और 213 आवेदन वोकेशनल कोर्स के लिए आए हैं। जो सीटें खाली रह गई हैं उनके अनुसार मेरिट लिस्ट रविवार को ही देर रात जारी कर दी गई है। उसके अनुसार नामांकन 30 व 31 अगस्त को लिया जाएगा। आपको बताते चले कि 31 अगस्त को ही देर रात नामांकन को पूरी तरह से क्लोज कर दिया जाएगा और कोई भी नामांकन इसके बाद नहीं लिया जाएगा और 2 सितंबर से ऑफलाइन माध्यम से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे पर आई हल्की मुस्कान। बिहार में एक ओर जहां पर्याप्त बारिश नहीं होने की वजह से सूखे की स्थिति बनी हुई थी, फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। हालांकि रविवार को ही झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान जरूर वापस आई है। कुछ दिनों से पड़ रही गर्मी के बाद हुए मूसलाधार
बारिश ने धान की फसलों को लाभ पहुंचाया है। वहीं खेतों में पानी लगने के बाद किसान यूरिया एवं अन्य खाद की खरीद को लेकर परेशान जरूर हैं। बारिश के बाद किसानों ने बताया कि चुमाचम बारिश होने से अब हम लोगों की उम्मीद जगी है कि धान की फसल अब कुछ ना कुछ उपज जाएगा। अगर बारिश नहीं होती तो हम किसानों के धान की फसल पूर्ण रूप से बर्बाद होने के कागार पर पहुँच गया था, लेकिन वहीं अब किसान उर्वरक के लिए परेशान है। वित्त मंत्री ने किया इंदिरा IVF ब्रांच का उद्घाटन। इंदिरा IVF के नए सेंटर की शुरुआत राजधानी पटना के बेली रोड इलाके में की गई है। इस सेंटर का उद्घाटन वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने किया। मौके पर उन्होंने कहा कि निसंतानता के कारण देश में हजारों दंपतियों को समाज में कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यह सेंटर उन लोगों की जिंदगी में खुशियां लाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में फर्टिलिटी अस्पतालों की सबसे बड़ी श्रृंखला इंदिरा IVF ने खासपुरा, राजा बाजार, बेली रोड में अपने नए केंद्र की शुरुआत की है। ग्रुप के कंकड़बाग और बेली रोड में दो अत्याधुनिक केंद्र हो गए हैं। नए सेंटर में निसंतानता के समाधान के साथ सेंटर के अंदर पैथोलॉजी और नैदानिक परीक्षण सेवाएं भी उपलब्ध हैं। आपको बताते चले कि IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सहायक प्रजनन तकनीक है। अब राजद ने इस मामले पर मांगा सुशील मोदी से जवाब। मालूम हो कि सुशील मोदी ने राजद के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव को कई मामलों में आरोपी सिद्ध करते हुए नीतीश कुमार को ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त करने की मांग की थी। अब राजद ने इस मामले पर कड़ा पलटवार किया है। राजद ने BJP से जवाब मांगा है। पार्टी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बिहार के मुख्यमंत्री को नसीहत देने वाले भाजपा नेता सुशील मोदी से जानना चाहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में सजायाफ्ता मंत्री राकेश सचान को कब बर्खास्त करवा रहे हैं। राजद प्रवक्ता ने कहा कि बिहार सरकार में मात्र आरोपित मंत्री को बर्खास्त करने की मांग करने वाले भाजपा नेता सुशील मोदी शायद यह भूल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में राकेश सचान एक ऐसे मंत्री हैं जो सजायाफ्ता हैं और जमानत पर बाहर हैं। भाजपा ने कहा तेजस्वी बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार भले ही कम सीट होते हुए भी महागठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री बन बैठे हैं, लेकिन भाजपा का शुरू से ही मानना है कि राजद नीतीश कुमार को दरकिनार कर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देगी और जदयू में कभी भी बड़ी टूट हो सकती है, क्योंकि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी से महज 2 कदम दूर है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है भाजपा प्रवक्ता राम सागर सिंह का। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि लालू कभी भी 2 कदम आगे बढ़ सकते हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जदयू को झटका दिया जा सकता है। भाजपा नेता ने कहा कि नीतीश कुमार के चेहरे को बिहार की जनता ने खारिज कर दिया है, भले ही वो अपनी नाकामियों के लिए चिराग पासवान और भाजपा को दोषी ठहराए। जदयू ने कहा चाय वाले का बेटा PM बन सकता है तो वैद्य का बेटा क्यों नहीं। नीतीश कुमार जब से NDA के साथ गठबंधन तोड़कर राजद के साथ महागठबंधन की सरकार बनाए, तभी से नीतीश कुमार पर PM पद के उम्मीदवार होने के दावे किए जा रहे हैं। जदयू के तमाम नेता और कार्यकर्ता इसके समर्थन में तो थे ही, और अब राजद के साथ आने के बाद राजद भी उन्हें PM मटेरियल बताने से नहीं थक रहे हैं। हालांकि जब भी यह सवाल नीतीश कुमार से पूछा जाता है तो वह इस सवाल पर हाथ जोड़ लेते हैं। इसी कड़ी में जदयू विधान पार्षद संजय सिंह ने कहा कि जब चायवाला का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक वैद्य का बेटा जो इंजीनियर भी है वह देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता है। पूरा देश आज नीतीश कुमार का इंतजार कर रहा है। यहां चायवाले का बेटा कहने से संजय कुमार सिंह का इशारा नरेंद्र मोदी की ओर था। राजेश वर्मा के बैंक लॉकर किए गए सीज। लगातार एक सप्ताह से भागलपुर के डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के घर छापेमारी के बाद उनके बैंक लॉकर को सीज कर दिया गया है और रविवार को उनके मोबाइल का बैकअप भी लिया गया। मोबाइल से डेटा निकालने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया था। इस टीम ने मोबाइल से डेटा निकालकर आयकर टीम को दे दी है। मिली जानकारी के मुताबिक राजेश वर्मा का मोबाइल भी सीज कर लिया गया है, साथ ही इनके 4 बैंक लॉकर को भी सीज कर दिया गया है। वहीं अभी भी कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं इस मामले पर जब राजेश वर्मा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यहां जो भी कुछ है बिल्कुल साफ है, हमारी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार अमित शाह आ रहे हैं बिहार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ सकते हैं। दरअसल यह खबर मीडिया में काफ़ी तेजी से चल रही है कि अमित शाह महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार एक बार फिर से 23 और 24 सितंबर को बिहार दौरे पर आएंगे और इस दौरान एक रैली का आयोजन भी किया जाएगा। मालूम हो कि इससे पहले अमित शाह भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने बिहार दौरे पर आए थे। इस दौरान उनके एक बयान ने बिहार की राजनीति को हिलाकर रख दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में भाजपा को छोड़कर और कोई राजनीतिक पार्टियाँ नहीं रहेंगी। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को बताया संत।
राजद नेताओं के घर छापेमारी के बाद महागठबंधन के समर्थन में जाप प्रमुख पप्पू यादव भी उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में ही बीजेपी को चुनौती मिलेगी। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा बिहार में सरकार को काम नहीं करने दे रही है। सीबीआई और ईडी के माध्यम से सरकार को डिस्टर्ब किया जा रहा है। पटना में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने वर्तमान सरकार से अपील की है कि वह इस मामले को लेकर कोर्ट जाए कि विपक्ष उसे कार्य नहीं करने देना चाहता। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कब तक संत बने रहेंगे, भाजपा को उसकी भाषा में जवाब देना होगा। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि वह 2024 तक अपना काम करते रहे। हार्दिक ने बताया वो पल जब नहीं कर पाए थे अपने इमोशन पर कंट्रोल। एशिया कप 2022 के अपने पहले मुकाबले में भारत ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को कांटे की टक्कर से 5 विकेट से हराया। मैच में रोमांचक मोड़ तब आया जब भारत को जीत के लिए 7 रन चाहिए थे और इस बीच हार्दिक ने छक्का लगाकर भारत को यादगार जीत दिलाई। इसके बाद मैच के पोस्ट प्रेजेंटेशन में हार्दिक ने बताया कि एक पल ऐसा भी आया जब वो इमोशन पर काबू नहीं कर पाए थे। आपने अगर मैच देखा है तो नोटिस किया होगा कि 20वें ओवर की पहली गेंद पर जब जडेजा आउट हुए तो हार्दिक भी अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं रख पाए। जडेजा के आउट होते ही वह बैट पकड़कर बैठ गए। यही वो मोमेंट था। इस मोमेंट पर हार्दिक ने इस पल के बारे में जडेजा से बात करते हुए कहा कि पूरे इनिंग में मैंने सिर्फ एक ही बार थोड़ा इमोशन दिखाया जब आप आउट हुए। दिमाग में सच बताऊं तो प्रेशर नहीं था, क्योंकि मेरे हिसाब से गेंदबाज को ज्यादा प्रेशर था, तो मैं इंतजार कर रहा था कि कब वो गलती करे। देश भर में आए 10,000 से भी कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी सोमवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के कुल 7,591 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में मामूली बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 167 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 67 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल 1,15,073 कोरोना सैंपल की जांच की गई है, जहां 162 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनवर करीम खान, सलीम भाई, रंजीत मिश्रा, रामलाल सिंह, शंकर मुखिया, कुश कुमार यादव, अभी कुमार आदित्य, फरहीन खातून, कैलाश चौधरी, मृत्युंजय कुमार, संजीव शर्मा और अहमद इरशाद। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि भारत बनाम पाकिस्तान खेले गए एशिया कप के मुकाबले में आपको भारतीय टीम में किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा लगा? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।